रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंडिया में 2026 तक बुलेट ट्रेन चलने की उम्मीद है। अहमदाबाद से मुंबई तक के सफर के लिए बुलेट ट्रेन का किराया 4000 से 5000 तक होने वाला है। वहीं पर अगर इंडिया की पर कैपिटा को देखा जाए तो 172000 रुपए एनुअली, यानी कि ऑलमोस्ट 14000 रुपए पर मंथ। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि 14000 रुपए कमाने वाले लोग क्या इस बुलेट ट्रेन का किराया अफोर्ड कर पाएंगे? अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि एक बुलेट ट्रेन तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर 2 घंटे में तय करेगी, और वहीं पर अगर देखा जाए तो फ्लाइट इसी सफर को 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है और उसका किराया होता है 2500 से 3000। तो फिर इन सब चीजों को देखते हुए अमीर लोग भी इसमें क्यों ही ट्रेवल करेंगे? कहीं ये बुलेट ट्रेन वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज के बुलेट ट्रेन के हालात को जानना जरूरी है। फ्रांस, साउथ कोरिया, ताइवान जैसी डेवलप कंट्रीज भी बुलेट ट्रेन स्ट्रगल कर रही हैं। ताइवान की बुलेट ट्रेन $1.5 बिलियन के लॉस में है, और ये वाली वही जापान की शिंकानसेन ट्रेन है जो इंडिया में आने वाली है। वहीं चीन की बुलेट ट्रेन 7.17 बिलियन लॉस में है। अगर आपको ये फुल वीडियो देखनी है तो दानिक के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।